हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट सेकंड का, जिसका नाम है बाइनरी अरिथमेटिक, उसके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट फर्स्ट का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स, उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अगर अभी तक आप पहला चैप्टर नहीं देखे हैं तो उसको भी आप जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखा जा रहा कि इन साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम नंबर दिया गया है 1110, कर रहा कि क्या रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो देखिए साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम में क्या होता है, जो MSB होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एज ए साइन यूज करते हैं। ठीक, साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम में जो MSB बिट होता है उसको एज ए साइन हम लोग यूज करते हैं। जैसे यहां पर MSB बिट क्या है, 1 है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, -2 कहेंगे। ठीक, अगर MSB बिट 0 रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एज ए पॉजिटिव साइन क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो 1 है MSB, ये क्या है, सबसे लास्ट वाला बिट MSB होगा, ये 1 है, जिसका नंबर जो होगा हम लोग का वो निगेटिव होगा, क्योंकि साइन मैग्नीट्यूड सिस्टम में जो MSB बिट का 1 है वो निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब देखिए ये क्या है, 110 है, मतलब ये क्या होगा, डेसिमल का 6 होगा, जिसका ना नंबर क्या हम लोग का -6 होगा। ओके, क्लियर। अगर देखिए यही नंबर ऐसे दिया रहता 0110 करके लिखा रहता और पूछता कि ये क्या है, बता दीजिए, कि 0 देखिए क्या बताता, कि नंबर हम लोग का पॉजिटिव है, MSB बिट क्या है, 0 है, और 0 बताएगा नंबर पॉजिटिव है, और बाकी ये है, ये क्या बताएगा कि क्या है, डेसिमल का 6 है, तब क्या होता, बी नंबर ऑप्शन जो होता वो करेक्ट होता। ओके, क्लियर ना। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1001, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। ठीक, तो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1s कॉम्प्लीमेंट को क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक, तो 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जहाँ जहाँ आपका क्या है, 1 है, वहाँ वहाँ 0 कर दीजिए, और जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दीजिए। अब इसमें 1 जोड़ दीजिए तो 2s कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, तो 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1, ये 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर। अब देखिए थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन दोनों क्या सेम है, बस यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ क्या निगेटिव है। ठीक, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन 2s कॉम्प्लीमेंट सिस्टम विथ n बिट्स नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इच। ठीक, ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन 2s कॉम्प्लीमेंट सिस्टम विथ n बिट्स नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इच। ओके, इन दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, मैं एक टेबल यहाँ पे रखा हूँ, इसके हेल्प से आपको मिलेगा। ठीक, देखिए एक टेबल है यहाँ पे, इसके हेल्प से मिलेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर 2s कॉम्प्लीमेंट नंबर लिखे गए हैं। ओके, देखिए सबके करस्पॉन्डिंग क्या है, नंबर वगैरह कुछ लिखा गया है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आया हम लोग को, रिजल्ट से क्या है मतलब है, कैसे 2s कॉम्प्लीमेंट वगैरह लिखा जाता है, ये सब आपको पता ही है। और देखिए साइन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखे गए हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आगे क्या है, 0 है, तो +7 इसको करके लिखा गया है। यहाँ जहाँ आगे क्या है, माइनस है, तो वहाँ क्या किया गया, उसको माइनस करके लिख, जहाँ आगे 1 है वहाँ उसके क्या किया गया है, माइनस रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, जैसे देखिए, चलिए ये -1 वाला बताता हूँ कैसे लिखा गया है। ठीक, फिर हम लोग रिजल्ट पे चलेंगे। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर जो है ये क्या है, नंबर जो 1 है उसको हम लोग 4 बिट के फॉर्म में क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, 4 बिट के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ओके, फिर इसका क्या लेंगे हम लोग, अगर 1s कॉम्प्लीमेंट लें तो कुछ ऐसे नंबर हो जाएगा। फिर क्या करना है इसमें, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट हम लोग को लिखना है, तो क्या करेंगे इसमें, फिर 1 जोड़ेंगे, तो क्या हो गया, ये देखिए इसका क्या हो गया, 2s कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखिए इस 1 का क्या है, 2s कॉम्प्लीमेंट निकला है। ठीक, और हम लोग साइन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जो 1 है वो क्या करेगा, माइनस साइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, -1 के करस्पॉन्डिंग ये आपका बाइनरी नंबर हो गया। क्लियर, तो वही चीज़ देखिए लिखा गया, है यहाँ पे -1 के करस्पॉन्डिंग, देखिए 4 बार क्या है, 1 लिखा गया। क्लियर, ऐसे मान लीजिए 2 है, ऐसे क्या है, 2 है, तो 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1000, ऐसे क्या करेंगे, 2 को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब देखिए इसका अगर 2s कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, 1101 हो गया, इतना चीज़ क्लियर। ठीक, अब देखिए क्या करना है,
इसको हम लोग अभी वन एज कम्प्लीमेंट में लिखे हैं, ये टू का क्या है, वन एज कम्प्लीमेंट ऐसे आया है, ठीक। अब इसमें वन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वन वन, ये क्या हो गया, जीरो हो जाएगा, यहाँ पर वन आएगा तो फिर यहाँ वन हो जाएगा और ये वन वन एज इट इज हो जाएंगे, ठीक। तब देखिए क्या है, तीन बार वन एक बार जीरो आया, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये देखिए जो नंबर है ये वन, ये क्या करेगा, माइनस को रिप्रेजेंट करेगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया माइनस टू, ठीक। तो ऐसे करके क्या किया गया है, नंबर को लिखा गया, बात समझ में आया, ऐसे करके नंबर को लिखा गया, ओके। अब देखिए जब टू को डायरेक्ट हम लोग को लिखना होगा तो क्या करना होगा, जीरो जीरो वन जीरो, जब प्लस टू लिखना होगा तो ये जीरो जो है ये हम लोग का प्लस बताएगा, तो डायरेक्ट इसको देखिए, इस प्लस टू के करस्पॉन्डिंग देखिए डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे, दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसे बस लिखाता है, जीरो रहेगा प्लस और क्या रहेगा, अगर वन रहेगा तो माइनस को बताएगा, ओके। बाकी आप निकालना जानते ही हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फोर बिट के फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट किया गया है, तो फोर बिट के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट किया गया है तो आप देख रहे होंगे एक कंडीशन से सेटिस्फाई हो रहा है, जो पॉजिटिव इंटीजर है वो देखिए एक से लेके सेवन तक है, एक से लेके सेवन तक, मतलब टोटल कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, टोटल क्या है, सेवन है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो टू के पावर एन माइनस वन ऐसे करके लिख दिए और माइनस वन हो गया, ठीक। टू के पावर एन माइनस वन का वैल्यू देखिए कितना होगा, कितना बिट लिखा गया, फोर बिट लिखा गया है, तो टू के पावर फोर माइनस वन और यहाँ माइनस वन है, टू के पावर फोर माइनस वन मतलब टू के पावर थ्री, जो क्या होगा आपका 2 के पावर 3 जो क्या होगा 8 हो जाएगा, और माइनस वन मतलब 7, मतलब क्या होंगे, टोटल देखिए यहाँ पे 7 आपके क्या है, पॉजिटिव इंटीजर आए हुए हैं, ओके। जीरो के बाद देखिए टोटल 1 से लेके 7 पॉजिटिव इंटीजर हैं। अब निगेटिव इंटीजर कोई पूछेगा तो उसके लिए जनरल फार्मूला देखिए क्या दिया जाता है, 2 के पावर एन माइनस वन दिया जाता है, ठीक। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो एन कितना है, 4 बिट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 माइनस वन, तो ये क्या हो गया, 2 के पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 8 निगेटिव इंटीजर दिए गए हैं, ठीक। तो यही देखिए फार्मूला लिखा गया है कि क्या, कि 2 के पावर n माइनस वन माइनस वन पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और 2 के पावर n माइनस वन क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक। अब देखिए जहां नीचे ये भी बताया गया है, नीचे देखिए बताया गया, क्या बताया गया है कि जो 0 है वो पॉजिटिव बता रहा है और जो 1 है वो क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है, ओके, क्लियर, ठीक ना, समझ में आया। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, तो क्वेश्चन देखिए क्या पे हम लोग का क्वेश्चन, ये थर्ड और फोर्थ था, इसको हम लोग को देखना था। तो थर्ड में देखिए क्या है, पॉजिटिव पूछा हुआ है, तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, 2 के पावर एन माइनस वन माइनस वन हो जाएगा, ठीक। ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, कैसे आया उसको बता दिया, ओके। अब फोर्थ का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पूछा हुआ है तो 2 के पावर एन माइनस वन बस होगा, ओके। तो ऐसे आप तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो ये रिजल्ट है इसको आप याद करके रखिएगा, ओके। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसको देख लिया जाए। पांचवा कह रहा है कि वन एस कम्प्लीमेंट ऑफ 1011 दिया, इसका वन एस कम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो वन एस कम्प्लीमेंट निकालना सबसे आसान है, जहाँ पे वन है वहाँ जीरो कर दीजिए और जहाँ जीरो है वहाँ वन कर दीजिए, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, 0100 हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो बी नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो बी वाला क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, तो पांचवा का बी जो होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है किसका 2s बताइए, तो सबसे पहले इसका 1s निकाल लीजिए, तो 1s क्या हो जाएगा, 0001, इसमें एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 00010 ये हो जाएगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें देखिए छठे का ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, ठीक। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है। अब देखिए सेवन नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेवन नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ कैपिटल एन बी द पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर विथ एन बिट लेंथ, द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर इज गिवन बाय, देखिए इसको लिखवाए हैं कि 2 के पावर एन माइनस कैपिटल एन लिखते हैं, ठीक। ये एन क्या है, जो पॉजिटिव नंबर है, और ये एन क्या है कि ये नंबर में कितना बिट है, कितना डिजिट है, उसको ये एन रिप्रेजेंट करता है, ठीक। ऐसे करके निकालना भी सिखवाए थे, तो क्या होगा, जो सातवां नंबर क्वेश्चन है उसका सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन क्या करा, करा कि द 9s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 185, करा कि 185 का 9s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये बता दीजिए, ठीक। तो देखिए क्या करते हैं, 9s कॉम्प्लीमेंट हम लोग को निकालना है, तो क्या करेंगे, तीन बार ऐसे 99 लिख दिए और उसमें से 185 ऐसे कर दीजिए, घटा दीजिए, तरीका बताएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1, ये क्या हो जाएगा, 7, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, तो 814 मतलब सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके, क्लियर, सी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, ठीक। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि द 10s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 86, 10s कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है किसका, 86 का, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको आप
चाहें तो पहले 9s से निकाल सकते हैं, 9s कंप्लीमेंट निकाल लीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ लीजिए 10s मिल जाएगा तो 14 हो जाएगा ठीक। या डायरेक्ट 100 में से क्या करिए 86 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो क्या होगा आपका 14 वाला आंसर आ जाएगा ठीक। तो जैसे आपको सुविधा हो वैसे निकाल लीजिएगा, तरीका मैं ऑलरेडी पहले ही सिखा चुका हूँ एक महीने पहले ही। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द 10s कंप्लीमेंट ऑफ 28 इज, कर रहा है 28 का 10s कंप्लीमेंट क्या होगा ठीक। तो 11 का क्या हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा, 100 में से क्या करिए ऐसे 10 के पावर n माइनस n लिखा जाता है ठीक। तो 10 के पावर n, ये n क्या है नंबर ऑफ डिजिट, तो नंबर क्या है 28 है तो इसमें दो डिजिट है तो ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 2 माइनस 28, तो 100 माइनस 28 क्या होगा 72 होगा। या पहले 9s निकाल लीजिए और फिर उसके बाद क्या करिए उसमें से 1 जोड़ के 10s निकाल लीजिए ठीक। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10s कंप्लीमेंट ऑफ नंबर इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है अभी देखिए फार्मूला बताएं, 10 के पावर n माइनस नंबर जो नंबर होगा उसको क्या करना होगा उसमें से घटाना होगा ठीक। तो क्या हो जाएगा जो 12 नंबर है उसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट हो जाएगा ठीक। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि द 9s कंप्लीमेंट ऑफ नंबर इज गिवन बाय, कह रहा कि जो नंबर है उसका 9s कंप्लीमेंट कैसे दिया जाता है थोड़ा इसको बता दीजिए ठीक। तो 13 नंबर क्वेश्चन का देखिए क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होना चाहिए करेक्ट होना चाहिए लेकिन यहाँ पे माइनस नंबर भी रहना चाहिए ठीक, माइनस नंबर भी रहना चाहिए तब जाके ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है ना इसी में माइनस वन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 9s कंप्लीमेंट हो जाएगा ठीक, और एक जोड़ देते हैं 9s में 10 हो जाता है तो 10 में से घटा देंगे तो 9s हो जाएगा ठीक क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा लगता है मिस प्रिंटिंग है ओके। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं ठीक। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 9s एंड 10s कंप्लीमेंट आर यूज्ड फॉर द सब्सट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, किस नंबर के सब्सट्रैक्शन के लिए यूज किए जाते हैं ये सब कुछ आपको डिटेल में बताया था, ये डेसिमल नंबर के सब्सट्रैक्शन के लिए क्या किए जाते हैं यूज किए जाते हैं ओके। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ बाइनरी 1110 विथ 101 इज, कह रहा कि जो 1110 है इसका प्रोडक्ट कर दीजिए किससे 101 से। तो देखिए 110 क्या होता है 6 होता है और ये क्या होता है आपका 5 होता है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 30 को क्या करिए लिख दीजिए, तो लिखेंगे कैसे तो ये देखिए क्या हो गया आपका 16 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ऐसे वेट को लिख लिए बाउंड्री। अब देखिए 16 और 8 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 में क्या करेंगे 4 को ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा और 28 में क्या करेंगे 2 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। मतलब क्या करना है यहाँ पे, ऐसे बहुत पहले आपको बता चुके हैं कि इसको क्या करना है 0 कर देना है, इसको 1, इसको 1, इसको 1, इसको 1, मतलब क्या करना है आपको 4 बार 1 और एक बार क्या करना है 0 कर देना है ठीक। तो देखिए अगर आप देख रहे होंगे 59 क्वेश्चन, तो 59 क्वेश्चन का क्या होगा जो डी नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। या अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो जो प्रोसेस सिखाएं उससे बाइनरी नंबर लिख के उसका मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं ठीक। अब देखिए कह रहा है 69 क्वेश्चन कि द रिजल्ट ऑफ बाइनरी डिवीजन, ये बाइनरी डिवीजन दिया है ठीक, ये लिखा हुआ है नंबर और उसका कह रहा है कि इसका बाइनरी डिवीजन करिए ठीक। तो इसका जब बाइनरी डिवीजन करेंगे कैसे करना है ये चीज़ आपको बताया गया था ठीक। तो जब बाइनरी डिवीजन इसका करेंगे तो 69 क्वेश्चन का क्या होगा ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या आएगा करेक्ट आएगा ठीक। चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे इसको चेक किया जाएगा ठीक। तो देखिए नंबर हम लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे देखिए 1111 चार बार 1 है दो बार 0 ठीक। वेट कैसे लिखते हैं 1 2 4 8 ये क्या होता है 16 और फिर क्या होता है हम लोग का 32 होता है ठीक। तो देखिए ये दोनों ऑफ है बाकी सब के सब ऑन है ठीक। तो ये देखिए 32 और 16 कितना हो गया 48 और उसमें 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 56 और उसमें 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। इतना चीज़ क्लियर। अब जिसे डिवाइड करना है वो क्या है आपका, तो वो 1010 है, वो क्या है 1010 है ठीक। अब ये 1010 होता क्या है तो इसको आपको पता है ये क्या होता है 10 होता है ठीक। अब 10 से 16 में अगर आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 6 टाइम जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए 11 ऐसे करके आना चाहिए ठीक। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो जब इसको आंसर आप चेक करने चले तो 4 बिट में आंसर दिया है ठीक। तो 4 बिट में आंसर दिया तो हम लोग 3 बिट में 6 को ऐसे लिखेंगे तो एक इधर जोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ओके। तो जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप सॉल्व करिएगा ठीक, जितना भी पॉसिबल वे है वो सब मैं बता दिया ओके।
79 क्वेश्चन देखिए क्या करा कि द रिजल्ट ऑफ बाउंड्री सबसेक्शन, करा कि ये बाउंड्री सबसेक्शन का क्या रिजल्ट होगा इसको बता दीजिए। ठीक, तो कैसे बाउंड्री सबसेक्शन वगैरह होता है ये पीछे मैं आपको बताया था, सिखाया भी था वहाँ पे, उससे आप क्या करिएगा इसको कर लीजिएगा। दो तरीके से है, एक तो डायरेक्ट इसका सबट्रैक्शन कर लीजिए, या जो नंबर है इसको क्या करिए, इसको 1s कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करके और क्या करिए लिख लीजिए, उससे कर सकते हैं। ठीक, तो जिससे आपको सुविधा होगा उस हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक, तो 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बताता हूँ इसका, सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, हर एक क्वेश्चन बता दूंगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, ऑप्शन में बता दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करिएगा, अगर कहीं गलती होगा तो फिर देखिएगा क्या गलती, उसको सुधारिएगा तो ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही 89 क्वेश्चन है, एडिशन करना है, काफ़ी आसान है। ठीक, इसका भी एडिशन आपके लिए होगा, आप करिएगा, इसको छोड़ दे रहे हैं, आंसर बता दे रहे हैं। ओके, 18 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, फिर देखिए 19 का भी आंसर बता दे रहे हैं, आप इसको खुद प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा, हर तरीका मैं सिखा चुका हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप उससे लगाइएगा। ओके, 19 का बी करेक्ट होगा। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, करा कि 2s कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट में लिखा है डेसिमल ऑफ द बाइनरी नंबर। ठीक, इस बाइनरी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट बताइए, किसमें, डेसिमल में बताइए। ठीक, तो जो बाइनरी नंबर है उसका क्या करना है हमको, 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है डेसिमल फॉर्म में। तो बाइनरी नंबर दिया क्या है, 100 और फिर 50 है एक के बाद और फिर एक वन है। ठीक, अब देखिए इसका पहले हम 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो 1s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 0 और जहाँ 0 वहाँ 1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे देखिए निकाल लिए, क्लियर। अब क्या करेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2s कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो 2s कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, उसको मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, तो 1 ये क्या रहेगा, 0 रहेगा और 6 बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 बार क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, अब देखिए जो रिजल्ट है वो प्लस माइनस के फॉर्म में, मतलब साइन बिट के फॉर्म में है, तो 0 यहाँ पर आया है MSB, तो ये क्या बताएगा कि जो नंबर होगा वो क्या होगा, प्लस होगा, इतना चीज़ क्लियर। ओके, अब देख लेते हैं कि इस नंबर का वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो 6 बार देखिए 1 है, ये 0 तो प्लस के लिए, उसको लिख लिए, 6 बार ऐसे 1 दिया गया, ऐसे 6 बार क्या है, 1 है। ओके, तब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इसका क्या होता है, 2 होता है, ये 4 होता है, ये क्या होता है, 8 होता है, ये क्या होता है आपका, 16 होता है, और ये क्या होता है आपका, 32 होता है, ऐसे होता है। अब देखिए 32 में 16 ऐड करेंगे तो 48, 48 में 8 ऐड करेंगे 56, 56 में 4 ऐड करेंगे 60, 60 में 2 ऐड करेंगे तो 62, और उसमें 1 ऐड करेंगे 63। इसका मतलब ये नंबर जो 6 है ये 63 है, और आगे 0 इसका मतलब वो प्लस बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लस 63 के क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो 20 का क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है कि इन बाइनरी अरिथमेटिक सर्किट, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, कर रहा है ऑप्शन में, फिर पूछ रहा है कि कौन सा इसमें करेक्ट रिलेशन है। तो बाइनरी अरिथमेटिक सर्किट में देखिए क्या होगा, एक एक बिट का इन्फॉर्मेशन जाएगा, तो 1-1 क्या होता है, 0 होता है, ये करेक्ट है। अब ये देखिए 0+1 क्या है, 0 होता है, ये गलत है। ये देखिए 1+1 क्या होता है, 10 होता है, करेक्ट है। डी देखिए कह रहा है कि 10+1 होता है, लेकिन यहाँ सर्किट लिखा है ना, तो उसमें हम लोग एक एक बिट कंसीडर करेंगे ना, तो यहाँ तो 2 बिट है, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको सही नहीं मानेंगे। ठीक, जो ए और सी है उसको क्या करेंगे, सही मानेंगे। तो देखिए क्या होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जब सर्किट का नाम लिया है तो यहाँ क्या होगा, जो 10 होगा वो क्या है, 2 बिट है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एक बिट को भेजेंगे ना, तो इस वजह से सिंगल बिट को कंसीडर करना होगा। ठीक, तो ये उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, हालांकि ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है करेक्ट है, 10 मीन्स 2 और उसमें 1 जोड़ना मतलब 3, तो 1 बराबर था, दिस इज करेक्ट। लेकिन यहाँ पे करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर्किट करके लिखा हुआ है, सर्किट में क्या होगा, एक एक बिट का इन्फॉर्मेशन जाएगा, या तो 1 होगा या तो 0 होगा, तो इस वजह से हम लोग ए एंड सी वाले ऑप्शन मतलब सी को क्या करेंगे, करेक्ट मानेंगे। ठीक, अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2s कॉम्प्लीमेंट जिसको क्या लिखा है, हेक्साडेसिमल आप बाइनरी नंबर, इतना दिया है, अब पूछ रहा है कि इसका 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, निकालना सिखा दिया हूँ, आप खुद सॉल्व करिएगा। 22 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ओके, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा, करा कि द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 9s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 81h। ठीक, 81 क्या है, डेसिमल में है, उसका 9s कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा और फिर उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट बताना है। ठीक, तो 9s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, 99 में से 81 को घटाना होगा, घटाने पर क्या आएगा, ये आपका जो वैल्यू होगा 18 आएगा, 18 को क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर देंगे, 16 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, 16 1 जा 16, रिमाइंडर 2, फिर क्या करेंगे, एक बार भाग देंगे, 16 0 जा
क्योंकि वन छोटा है तो जीरो यहाँ लिखेंगे और रिमाइंडर जो होगा उसको क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। तो हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो वन टू क्या हो जाएगा, उसके इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बी होगा, वो क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे करेक्ट कर लेंगे। क्लियर ना चीज़। अब देखिए ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ये आपके लिए असाइनमेंट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये क्या होगा करेक्ट होगा। एज असाइनमेंट मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक आप करिएगा। ओके, अब देखिए 25 क्या होगा, 25 कह रहा कि द डिफरेंस बिटवीन 10s कॉम्प्लीमेंट एंड 9s कॉम्प्लीमेंट ऑफ 105। जाहिर सी बात है कि 10s और 9s कॉम्प्लीमेंट के बीच क्या होगा एक ही का डिफरेंस रहता है, तो क्या होगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, 9 में 1 जोड़ने पर 10 आता है ना, तब एक ही डिफरेंस होगा ना। अब देखिए कह रहा कि 26 क्वेश्चन कह रहा कि 9s एंड 10s कॉम्प्लीमेंट आर यूज्ड फॉर, ये किसके लिए यूज्ड होते हैं, ये डेसिमल नंबर्स के लिए यूज होते हैं, डेसिमल सब्सट्रैक्शन वगैरह के लिए। ओके, अब देखिए कौन सा कॉम्प्लीमेंट किस नंबर सिस्टम के लिए होता है, इस सबका मैं टेबल बनाया था स्टार्टिंग में ही, आप देखे होंगे ठीक जब पढ़ा रहा था तभी इसका टेबल बना दिया था। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द 1s कॉम्प्लीमेंट एज ए लॉजिकल ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू, जो 1s कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा। ठीक, तो 27 का क्या होगा जो आपका ए नंबर ऑप्शन है ये क्या होगा करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि 1s कॉम्प्लीमेंट हम लोग क्या देख रहे हैं कि जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 कर दे रहा है, अब जहाँ पे 0 है वहाँ क्या कर दे रहा है 1 कर दे रहा है, इसका ना ये क्या कर रहा है एज ए इन्वर्टर काम कर रहा है, तो इसको हम लोग लॉजिक कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं ना, तो लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं ना, तो ए नंबर क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ओके, जो क्या लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, अब देखिए 28 क्या कह रहा है, 28 कह रहा है कि यूजिंग 10s कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्शन ये दिया हुआ इज इक्वल टू, कह रहा है कि 10s कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं उसको सॉल्व करिए। आप सॉल्व करिएगा, प्रोसेस में बताया हूँ, ऑप्शन यहाँ पे बता रहा हूँ, उससे आप अपना मैच कर लीजिएगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आएगा। ओके, अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, करा कि हाउ मेनी बिट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इनकोड डेसिमल नंबर 029999 इन स्ट्रेट बाइनरी कोड्स। ठीक, तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो तुरंत आपको फार्मूला के हेल्प से निकालना होगा। ठीक, तो देखिए अगर कहीं देता है कि कोई डेसिमल नंबर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। ठीक, जो नंबर ऑफ बिट होता है, नंबर ऑफ बिट वो क्या होता है लॉग 2, और यहाँ क्या होता है जो नंबर है उसको क्या करिए आप रख दीजिए। ठीक, तो जो नंबर हम लोग का क्या है 999 है, इसको क्या करिए यहाँ पे पुट कर दिए, 4×9 पुट कर दिए। ठीक, अब क्या करेंगे इसको आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी होता है लॉगरिथमिक आइडेंटिटी होता है, वो क्या होता है जो लॉगरिथमिक आइडेंटिटी है वो क्या है लॉग 2 एक्स जो होता है ये क्या होता है आपका लॉग 10 एक्स अपॉन लॉग 10 और 2 होता है। ठीक, ये होता है, आप ये मैथ में पढ़े होंगे। ओके, इसी के ब्याह पे क्या करेंगे इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग 10, ठीक, और फिर क्या हो जाएगा 999 चार बार, और नीचे क्या हो जाएगा लॉग 10 और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, फिर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद देखिएगा 13.29 करके आएगा, तो जो बिट है वो क्या हो सकता, बिट जो है वो आपका फ्रैक्शन में होगा नहीं, तो इस वजह से हम लोग को 14 वाला ऑप्शन जो है वो सही लगाना होगा। ओके, तो 14 वाला ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक, बस उसी लॉग को क्या करेगा सॉल्व करेगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि इनको ऐड कर दीजिए, तो आप ऐड करिएगा, ऐड करने पे डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या आएगा करेक्ट आएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सेकेंड चैप्टर के एमसीक्यू को भी देख लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।